क्या आप जानते हैं कि फूल न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि आपकी हेल्थ को भी अच्छा बनाए रखते हैं। जी हाँ, और एक ऐसा ही फूल है गुड़हल का फूल। ये लाल रंग का गुड़हल का फूल दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। ये फूल जितना घर को सुंदर बनाने का काम करता है, ठीक उतना ही हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। बता दें कि गुड़हल के फूल में एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाती हैं और हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं। अगर गुड़हल के फूल के कुछ फायदों की बात करें तो बता दें कि गुड़हल के फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वेसल्स को खोलकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। साथ ही इस फूल में मौजूद विटामिन सी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, जो कि दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। वहीं इसमें अगले नंबर पर आता है फैट। अब वैसे तो फैट बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्लो मेटाबॉलिज्म रेट, बैड हार्मोनल हेल्थ और स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो ऐसे में गुड़हल के फूल में मौजूद गुड़ पेट के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स नींद को बेहतर बनाने का काम करते हैं। अगर आप कमजोरी या थकान से परेशान हैं तो बता दें कि गुड़हल के फूल में आयरन और कैल्शियम होता है, जहाँ ये दोनों ही मिनरल्स आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो इसके फूलों के पाउडर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब इन सब फायदों को सुनने के बाद ऐसे में किडनी रोगियों के मन में भी ये सवाल आता है कि क्या ये फूल उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए वीडियो में इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। अगर बात किडनी पेशेंट्स की करें तो बता दें कि गुड़हल का फूल किडनी या पित्त की थैली में मौजूद स्टोन को बाहर निकाल सकता है। ऐसे में इसे खाना किडनी रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसके फायदे जानने के बाद आप इसे खाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें, क्योंकि वो आपके रिपोर्ट्स देखकर बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आपके लिए गुड़हल का फूल कितना फायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।